हेलो इंटरनेट, आज के वीडियो में हम लोग ऐसा पंखा बनाएंगे बिना लाइट के चलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास एक कोको कोला का केन है और एक इसको क्या बोलते हैं, एक लोहे का डब्बा है, हाँ, और एक एल साइज अडप्टर है पीवीसी पाइप का, और एक रिथमार पेपर है, मतलब सैंड पेपर। सबसे पहले हम इसको इसमें यहाँ पर फिट करेंगे, ऐसा लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने होल बना दिया है। सिंपल हम इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ दें। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने डब्बे को काट लिया है यहाँ से और यहाँ से। तो इसमें हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे। अब हम इसको चिपका देंगे। ओके, तो अब ये सूख चुका है। अब हम इसका पिस्टन बनाएंगे। पिस्टन हम सिंपल इस एल्युमिनियम बुल से बनाएंगे। ओके, तो अब हमारा पिस्टन भी बन गया है और यहां पर हमने दो केन काटी हैं। एक ये केन काटा है, इसका ऊपर का ढक्कन निकाल दिया है और एक होल यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, और यहाँ पर दो बड़े होल बनाए हैं। और एक ये छोटा साइज का केन काटा है, इसमें एक होल यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, और यहाँ किया है पीछे, इसमें भी किया है यहाँ पर पीछे। तो चलो अब इसको हम इस पर लगाते हैं, उससे हमें मेजरमेंट मिल जाएगा इस पिस्टन के डंडे का। तो हम इसको लगाएंगे, ये होल है, हल्का सा दबा देंगे तो इसमें लग जाएगा। अब हम इस वाले को लगाएंगे, इस पर यहाँ पर भी हमने एक होल किया है। हम इसको निकालेंगे और जहां पर हमने निशान लगाया था वहां से इसको काट देंगे। तो हमने इसको काट दिया है, अब हम इसको वापस से इसमें लगाएंगे। इस साइड हम इसको लगा देंगे, ये अडप्टर है। ओके, तो इस शाफ्ट को हम यहां से लगाएंगे, ये हमने होल बनाए थे, इसको ऐसा लगाएंगे। कनेक्शन इससे करेंगे, इसकी हेल्प से। तो इसको हम सिंपल इसके अंदर डालेंगे, देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर हमने एक ये अडेप्टर लगाया है, एक ये अडेप्टर लगाया है बीच में, ये रोकने के लिए बैरियर में, ये हमारे पिस्टन को इधर उधर नहीं जाने देंगे। अब हम इसको इसमें लगाएंगे, सिंपल हम पिस्टन को इसके अंदर डालेंगे और इसको ऐसे लगा देंगे। तो ये जो ढक्कन है बोतल के, तो हम इनको यहाँ से काटेंगे और एक होल करेंगे बीच में, दोनों को इस साइड ऐसा लगा देंगे, एक साइड इधर एक साइड इधर। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों साइड ग्लू लगा दिया है और ये आराम से काम कर रहा है। तो अब हम इसमें यहाँ पर ये लगाएंगे, एक कैप है स्प्रे का और इसकी हेल्प से हम इसमें लगाएंगे। अब हम इसके इस वाले हिस्से के लिए एक पिस्टन बनाएंगे। ये एक छोटी बोतल का ढक्कन है और एक बड़ा ढक्कन है और ये बैलून का है। अब ये करेंगे कि एक स्पोक है, इसको इस होल में ऐसा डालेंगे। इसको यहाँ से कर देंगे, ये हमारे स्पोक निकल आया बाहर और ये कुछ इस तरह से हो गया। मैं यहाँ पर अंदर ढक्कन लगाया है और एक बाहर ढक्कन लगाया है। अब हम सिंपल इसमें पाउडर लगाएंगे दोनों साइड। अब हम इसको इसमें लगाएंगे। ये वाला और इस वाले में 90 डिग्री का वो होना चाहिए, ऐसा है ऐसा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
ओके तो हमारा पंखा बन गया है और मैं आपको सच्चाई बता दूं तो मैं इसको चला के भी दे चुका हूँ और एक बार टूट भी चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे काला काला और ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, इसको हमने रिपेयर किया है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। इसके लिए हमने एक चिमनी बनाई है, इसको हमने सिंपल डब्बे को काट कर बनाया है आप देख सकते हैं, और एक लैंप बनाई है इसमें हमने एथनॉल डाला है और इसके ऊपर हम अपने पंखे को रखेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे, ये कूलिंग का काम करेगा, ये हमारे इंजन को ठंडा रखेगा। आपको एक बात बता दूं कि आपको एल्कोहल वाले ही लैंप का यूज करना है, क्योंकि अगर और कोई लैंप का यूज करेंगे तो वो कार्बन छोड़ती है और उससे नीचे इंजन के यहाँ पर नीचे एक लेयर बन जाएगी, उससे गर्म नहीं होगा फिर काम नहीं करेगा। दिया जलाओ, पंखा चलाओ। अरे फिर सो गया, सब्सक्राइब का कौन बोलेगा, सब्सक्राइब को बोलो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, आलसी कहीं का सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।